विजय नक्षर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 81x³ - 18x² = 1 गिवन है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ये हाईएस्ट पावर इसका है 3 है, तो 3 आंसर्स तो आएगा ही। 3 सॉल्यूशंस हमें क्या क्या आता है वो देखिए। तो सबसे पहले हमें 81x³ है, 81x³ की तरफ ये देखेंगे। तो 81x³ ये 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 27 ये x³ या जो लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 × 27 मीन्स 3³ बनते हैं और ये x³ या जो, और इन दोनों का क्या होता है, ये तो फर्स्ट 3 आ जाएगा तो ये 3x³ आ जाएगा। ठीक है, तो 81x³ मीन्स 3 × 3x³। ठीक इसी तरह 18x², तो 18x² ये क्या होता है, 2 × 9x² होते हैं, तो 2 × 3² x², तो ये दोनों मिलके 3x² बनते हैं। ये फर्स्ट 3 2 एज वेल, यानी 18x² मीन्स 2 × 3x² तो 18x³ की जगह में ये लिखेंगे हम, तो ये 3 × 3x³ - 18x² की जगह में ये लिखेंगे तो 2 × 3x² ये -= 1 एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x इधर भी है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एज 3x = suppose t। तो 3x जहाँ भी है हम t पुट करेंगे तब ये बनता है 3 × t³ - यहाँ पर 2t² = 1। 1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तब ये बनता है 3t² - 2t² - 1 = 0। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर चेंज करेंगे, -1 है, इस -1 को हम -3 + +2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, -1 = -1 ही बनते हैं। तो यानी ये -1 की जगह में हम -3 + 2 करेंगे, 3t² - 2t² - 3 + 2 मीन्स -1 ही होता है, = 0। ये जो -3 है इसके साथ जोड़ी कर लेंगे 3t³ - 3, और ये -2t² के साथ 2 करेंगे तो +2 = 0। तो इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर t³ - 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर इन दोनों में -2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर t² - 1 यहाँ पर आ जाएगा, = 0। ये बनते हैं t³ - 1। t³ - 1 मीन्स ए 1³ भी समझ लो, तो ये बनेगा a³ - b³ के जैसा बनता है। ओके, तो a³ - b³ मतलब क्या होता है, ये -b टाइम्स a² + a × b + b². ठीक है, यहाँ पर ए इज टी और बी इज, यहाँ पर ए इज टी, बी क्या बन रहे, 1। तो ये फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे, और इसे t² - 1 है, ये भी 1² होता है, तो t² - 1 मीन्स ये 1² होता है, ये होता है a² - b² के जैसा, तो ये -b टाइम्स ये +b बताइए। तो यहाँ पर ये इज टी है लेकिन बी यहाँ पर भी 1 ही है। ठीक है, तो इसके जगह में और इसके जगह में ये t³ - 1 के जगह में ये पुट करेंगे, तो समझ लीजिए ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तब ये बनता है 3 × a - b मतलब t - 1 × t² + t × 1 मीन्स t + 1² ठीक है, b² मीन्स 1² तो 1² 1 लिखे तो भी चलता है। और नेक्स्ट ये हो गया -2 टाइम्स, यहाँ पर t² - 1² मीन्स t - 1 × t + 1 = 0। तो ये दो टर्म, यहाँ पर दो टर्म बन गया है, 3 × t - 1 × t² + t + 1 एक बन गया, 2 × 2 - 1 t + 1 = 1 बन गया। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर t - 1 इधर भी है, t - इधर भी है,
तो हम इन दोनों में से t माइनस वन हम कॉमन लेंगे, तब ये t माइनस वन मैं कॉमन ले लिया दोनों में से, तो रिमेनिंग रहेगा ये थ्री और यहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर माइनस टी माइनस वन इसमें कॉमन आया तो हमने माइनस टू टाइम्स टी प्लस वन रिमेनिंग रहेगा इक्वल जीरो। तो ये बनेगा टी माइनस वन टाइम्स थ्री से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन को थ्री इंटू टू टी स्क्वायर मीन्स थ्री टी स्क्वायर, थ्री प्लस थ्री टी प्लस थ्री ओके। यहाँ पर नेगेटिव टू से टी प्लस वन को मल्टीप्लिकेशन किया तो नेगेटिव टू टी और नेगेटिव टू यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा इक्वल जीरो ठीक है। तो इक्वल्स टी माइनस वन टाइम्स थ्री टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी माइनस टू टी मीन्स प्लस टी होता है, प्लस थ्री माइनस टू मीन्स प्लस वन बनता है इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जीरो का दो फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, एक मिल रहे टी माइनस वन इक्वल जीरो, दूसरा मिल रहे थ्री टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन इक्वल जीरो। तो ये राइट साइड में लाओ तो ये टी इक्वल्स यहाँ पर वन हो जाएगा। तो रिकॉल कर दो टी का वैल्यू, टी इज थ्री एक्स है, तो अगर रिकॉल किया थ्री का जगह या टी के जगह में थ्री एक्स, तो थ्री एक्स इक्वल्स वन बनते हैं। थ्री से अगर दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो ये थ्री निकल जाएगा, हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिलेगा वन बाय थ्री। तो फर्स्ट से मिला हमें वन बाय थ्री, और ये जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे क्या मिलता है हमें वो देखेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो ए का वैल्यू थ्री बन रहे, बी इज वन और सी आल्सो वन। तो तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पुट किया तो टी का वैल्यू हमें मिलेगा नेगेटिव बी, बी मीन्स वन प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इज थ्री सी इज वन ऑल ओवर टी इंटू ए मीन्स थ्री टू इंटू थ्री ओके। टी इक्वल्स नेगेटिव वन प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट, वन स्क्वेयर मीन्स वन ही होता है, माइनस फोर थ्री जार ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू थ्री जार सिक्स ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगे तो टी इक्वल्स नेगेटिव वन प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट वन माइनस रूट ट्वेल्व, वन माइनस ट्वेल्व मीन्स नेगेटिव एलेवन बनता है ऑल ओवर सिक्स ठीक है। तो ये जो नेगेटिव रूट एलेवन है इसे हम रूट वन इंटू रूट एलेवन इंटू स्क्वेयर रूट माइनस वन लिख सकते हैं। तो ये बनते हैं रूट एलेवन या यूजुअल रहने दो, लेकिन रूट माइनस वन इसका मैन्यू होता है आयोटा आई इमेजिनरी नंबर, तो इसके रूट माइनस एलेवन की जगह में स्क्वेयर रूट एलेवन इंटू आई लिखेंगे हम, तब ये बनते हैं माइनस वन प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट एलेवन टाइम्स आई डिवाइडेड बाय सिक्स। तो इससे हमें टी का वैल्यू दो मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव का भी यहाँ पर लिख लेंगे नेगेटिव वन प्लस रूट एलेवन टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय सिक्स, और दूसरा मिल रहा है टी इक्वल्स नेगेटिव वन नेगेटिव टाइम्स रूट एलेवन टाइम्स आई डिवाइडेड बाई सिक्स ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले में क्या करेंगे, हम टी का वैल्यू रिकॉल कर दो, टी इज थ्री एक्स है तो थ्री एक्स थ्री के या टी के जगह में थ्री एक्स रिकॉल करेंगे, तो थ्री एक्स इक्वल्स माइनस वन प्लस रूट एलेवन टाइम्स आई डिवाइडेड बाई सिक्स। हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू अगर चाहिए तो इसे वन बाई थ्री से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ठीक इसी तरह इसे भी वन बाई थ्री से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दोनों तरफ इक्वेट हो जाएगा। तो ये बनते हैं एक्स इक्वल्स माइनस वन प्लस रूट एलेवन टाइम्स आई डिवाइडेड बाई सिक्स थ्री जार एटीन, यानी एक्स का वैल्यू सबसे पहले वन बाई थ्री आया, ये एक्स टू समझ लो, तो और एक्स थ्री यहाँ पर देखेंगे। टी का वैल्यू यहाँ पर रिकॉल कर दो, यहाँ पर भी थ्री एक्स है इक्वल्स नेगेटिव वन नेगेटिव रूट एलेवन टाइम्स आई होल डिवाइडेड बाई सिक्स
अगर इसे निकालना है तो 1/3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी 1/3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 3 निकल जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगा -1 -√11 टाइम्स i डिवाइडेड बाई 6 3 18। यानी ये x2 है, ये x3 है, x1 तो यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।